लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारे अध्ययन का आज का टॉपिक है लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए उसकी प्रकृति का जानना आवश्यक होता है और लोक प्रशासन का यह क्लास UC NET JRF असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता तथा राजस्थान में आयोजित होने वाले RVSE फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग उसी क्रम में इस बात का अध्ययन करना आज स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर लोक प्रशासन की प्रकृति को, उसके विषय को कौन कौन सी बातें उसके विषय में हम लोग देखते हैं और किस प्रकार से उसको समझने का प्रयास करते हैं। आज इस बात को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का आज प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन की प्रकृति के निर्धारण में मूलतः दो दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया। एक है समग्रवादी दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधवादी दृष्टिकोण। समग्रवादी दृष्टिकोण और प्रबंधवादी दृष्टिकोण, प्रबंधवादी दृष्टिकोण के साथ साथ इसी की प्रतिक्रिया में एक आया, इसको पाठ्य विषयवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति में समग्रवादी दृष्टिकोण क्या है। समग्रवादी दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण को कहा जाता है। समग्रवादी दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जिसके द्वारा लोक प्रशासन के प्रकृति में समस्त पहलुओं को सम्मिलित किया गया। उदाहरण के रूप में प्रबंधवादी तकनीकी आलिपिकी और अन्य गतिविधियां इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। समग्रवादी दृष्टिकोण के समर्थक विचारकों में ALD White तथा डेमॉक का नाम मुख्य है। किनका? ALD White और डेमॉक का नाम मुख्य है, जिनके द्वारा समग्रवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया। इनका मानना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति प्रबंधवादी तकनीकी लिपिकी या अन्य किसी भी प्रकार की हो सकती है, क्योंकि जो गतिविधि प्रशासन के द्वारा इनको सौंपा जाता है उन सभी क्रियाओं को क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन का मूल कार्य होता है। अर्थात यह एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है कि प्रशासन कौन सा कार्य करेगा और कौन सा कार्य नहीं करेगा। इसलिए समग्रवादी दृष्टिकोण एक प्रकार से सामूहिक क्रिया पर, यह एक प्रकार से सामूहिक क्रिया पर बल देता है। इस समग्रवादी दृष्टिकोण के बाद आलोक प्रशासन की प्रकृति के निर्धारण में प्रबंधवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया। प्रबंधवादी दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकीय गतिविधियां ही सम्मिलित होती हैं। अर्थात इसमें केवल उच्च लोगों का अध्ययन होता है। इनका कहने का अर्थ है कि जो लोग ऊपर हैं
और उन्हीं के अध्ययन पर लोक प्रशासन आधारित है, इसलिए प्रबंधकीय गतिविधियाँ तो इसमें सम्मिलित हैं, परंतु इसमें तकनीकी और लिपिकी गतिविधियाँ या कोई अन्य गतिविधि इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। प्रबंधवादी दृष्टिकोण के समर्थक में हार्बर्ट साइमन थॉमसन स्मिथबर्ग थॉमसन स्मिथबर्ग और लूथर गुलिक का नाम महत्वपूर्ण है। लूथर गुलिक के द्वारा इसी संदर्भ में पोस्ट कार्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, और यह पोस्ट कार्व सिद्धांत अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना है। अंग्रेजी के यह 7 अक्षरों से मिलकर बना, जिसमें पी का अर्थ होता है प्लानिंग या नियोजन, जिसमें पी का अर्थ है प्लानिंग या नियोजन, ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग या संगठित करना, एस का अर्थ है स्टॉपिंग या कार्मिक, डी का अर्थ है डायरेक्शन या निर्देशन, सीओ का अर्थ है कोऑर्डिनेशन या समन्वय, आर का अर्थ है रिपोर्टिंग या सूचनाओं का आदान प्रदान, बी का अर्थ होता है बजट। यहाँ पर आपको सवाल आएगा कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किन लोगों ने किया, साइमन थॉमसन स्मिथबर्ग और लूथर गुलिक, और यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन की प्रकृति को केवल प्रबंधकीय गतिविधि तक सीमित करता है, जबकि असमग्रवादी दृष्टिकोण लोक प्रशासन की प्रकृति को समस्त सामूहिक गतिविधियों में सम्मिलित करता है, और उनका मानना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रबंधकीय तकनीकी लिपिकी और अन्य सभी गतिविधियां इसमें सम्मिलित होती हैं। अब अप्रबंधकीय गतिविधि के अंतर्गत लूथर गुलिक ने कहा कि केवल वही गतिविधि सम्मिलित होती है जिसका संबंध प्रबंधन से होता है। लोक प्रशासन की प्रकृति और उसके अध्ययन में केवल उच्चस्थ लोगों के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कहा कि ऊपरी लोगों का अध्ययन करना आवश्यक है, न कि निचले स्तर के लोगों का। इस बात को बतलाने के लिए उनके द्वारा पोस्ट कार्व सिद्धांत का अवैज्ञानिक विवेचन किया गया, जिसमें पहला है पी अर्थात नियोजन। नियोजन का तात्पर्य होता है किसी भी संगठन की स्थापना से पूर्व प्लानिंग करना। प्लानिंग का अर्थ है कि सर्वप्रथम हम इस बात का निर्धारण करें कि संगठन का उद्देश्य क्या है, इसके संसाधन क्या होंगे, आपने इस लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करेगा। अनेकानेक बातों को इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संगठन की सफलता और असफलता उसके उचित नियोजन के ऊपर ही आधारित होती है, क्योंकि संगठन न तो कभी सफल होता है और न ही असफल होता है, बल्कि सफलता और असफलता केवल प्लानिंग की होती है। दूसरा है संगठित करना। संगठन का निर्माण औपचारिक रूप से किया जाता है, जिसमें अनेक तत्वों का पाया जाना आवश्यक होता है, इसलिए उसको कई भागों और उप विभागों में डिवाइड किया जाता है। कार्मिक का अर्थ है मानवीय संसाधन। संगठन के क्रियान्वयन के लिए योग्यतम कार्मिक का होना आवश्यक है। कार्मिक की भर्ती, उसका प्रशिक्षण, सेवा शर्तें, पदोन्नति इत्यादि का निर्धारण करना यह स्टाफिंग या कार्मिक के अंतर्गत आता है। अगला है निर्देशन। निर्देशन का आवश्यक अर्थ है
कि जब किसी संगठन में दो या अधिक टाइप के कार्मिक काम करते हैं, विशेष करके उच्चस्थ और अधीनस्थ कार्मिक, तब निर्देशन की परम आवश्यकता होती है। लोग प्रशासन और संगठन के नियम के अंतर्गत इस बात का आप अध्ययन करेंगे। इसको यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है, निर्देशन की एकता का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए यह मालूम होना चाहिए उच्चस्थ को कि हमको किसको आदेश देना है, अधीनस्थ को मालूम होना चाहिए कि हमको किसके निर्देशन में काम करना है। इससे उत्तरदायित्व की अवधारणा का जन्म होता है। अगला है समन्वय। जब किसी भी संगठन में उच्चस्थ और अधीनस्थ और कई विभाग और उप विभाग काम करते हैं, तो उन सभी के कार्यों में कोऑर्डिनेशन का होना, समन्वय का होना सांगठनिक सफलता की एक आवश्यक शर्त है। सूचनाओं का आदान प्रदान। चूँकि संगठन एक से अधिक गतिविधियों के द्वारा संचालित होता है, संगठन में कई विभाग और उप विभाग और अनेक प्रकार के कार्मिक होते हैं। जब अनेक प्रकार के कार्मिक विभाग और उप विभाग में डिवाइड हैं, तो प्रॉपर सूचनाओं का होना ही संगठन की सफलता को आधार के रूप में स्थापित करता है। इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान निरंतर होते रहना चाहिए, क्योंकि सूचनाओं के अभाव में संगठन में दोहराव की प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है और संगठन अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो जाता है। बजट का आशय है किसी भी संगठन की स्थापना और व्यावहारिक रूप से परिचालन करने के लिए बजट का होना आवश्यक है। बिना बजट के न तो हम किसी संगठन की स्थापना कर सकते हैं और न ही उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। इसलिए बजट का होना संगठन की सफलता और व्यावहारिकता दोनों के लिए आवश्यक है। भारतीय चिंतक आचार्य कौटिल्य के द्वारा भी बजट को प्रशासन का आधार बनाते हुए राजा को सलाह दिया गया था कि राजा के द्वारा सदैव अपने कोष को समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी राजा का राजकोष दुर्बल हो जाता है तो वह राजा शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो जाता है। इसलिए राज्य की सफलता, संगठन की सफलता और प्रशासनिक सफलता के लिए बजट आवश्यक है। यह प्रबंधवादी दृष्टिकोण में लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। लोक प्रशासन की प्रकृति के अध्ययन के अंतर्गत एक अन्य दृष्टिकोण है, जिसको पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण कहते हैं। और पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है लेविस। इसका प्रतिपादन किया है लेविस मेरियम ने। लेविस मेरियम के द्वारा पोस्ट कार्व सिद्धांत को एकांगी बतलाया गया। पोस्ट कार्व सिद्धांत को यंत्रवत माना गया और कहा गया कि पोस्ट कार्व सिद्धांत केवल संगठन के संरचनात्मक पहलू पर आधारित है, जबकि संगठन की सफलता के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, संगठन के स्थापना की तकनीक, और उससे भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण वह है जिसके लिए किसी भी संगठन, प्रशासन और प्रबंधन की स्थापना की जाती है, उसको विषय वस्तु या पाठ्य विषय कहते हैं। इसलिए लेविस मेरियम के द्वारा पोस्ट कार्व सिद्धांत की कठोर आलोचना की गई, और इस आलोचना को करते हुए इनके द्वारा कहा गया कि प्रशासन कैंची के दो धार के समान है। प्रशासन क्या है? कैंची के दो धार के समान है, जिसमें एक का संबंध विषय वस्तु से है और दूसरे का संबंध तकनीक से है। और किसी भी प्रशासन और प्रबंधन की सफलता के लिए दोनों का सुचारू रूप से संचालित होना आवश्यक है। पोस्ट कार्य सिद्धांत ने केवल तकनीक पर बल दिया और विषय वस्तु की उपेक्षा कर डाली, इसलिए पोस्ट कार्य सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह एकांगी है।
लेविस मेरियम के द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया, किसी भी प्रशासन के संचालन के लिए विषय वस्तु और तकनीक पर समान रूप से बल दिया जाए तो संगठन प्रबंधन अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने इस क्लास में आज बात किया कि लोक प्रशासन की प्रकृति का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, हम लोगों का ये क्लास लोक प्रशासन के प्रकृति के विषय पर आज का इतना ही है। हम लोग अपने क्लास में अगले क्लास में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, जिसमें लोक प्रशासन के किसी अन्य विषय वस्तु पर चर्चा होगी। आप लगातार बने रहें और लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में। आज तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।